मेरा नाम प्रभात सिंह है, मैं गौड़ मेरठ से हूँ। पहले मुझे मतलब सर यहाँ पे दर्द होता था गर्दन के। मेरठ से आप क्या करते हैं? मैं बीटेक कर रहा हूँ अभी रिसेंटली। मेरे गर्दन में दर्द होता था और पैर के नीचे दर्द हुआ घुटने के साइड पे। कब होता था ये? अप्रैल में हुआ था, 2019 में हुआ था अप्रैल में। उसके बाद फिर डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने सर्वाइकल कहा, तो उन्होंने फिर फिजियोथेरेपी और पेन किलर्स दी थी डॉक्टर केपी सैनी ने। हाँ, उसके बाद फिर हड्डियों के डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने इंजेक्शन लगाया था फोलिट्रेक्स, और उससे भी आराम नहीं मिल रहा था। मतलब 3 महीने और 1.5 महीने के लिए खाई थी शायद 1.5 महीने, उसके बाद फिर आराम नहीं हुआ। उसके बाद फिर जयपुर चले गए थे, फिर वहाँ से भी कोई आराम नहीं हुआ। फिर भैया है, उन्होंने बताया था, डॉक्टर दीपक कुमार भैया ने, उन्होंने बताया था यहाँ के लिए। उस वक्त मेरा सी आर पी था 60 से ऊपर था। उसके बाद फिर यहाँ पर आए, फिर उन्होंने ओपीडी में देखा डॉक्टर वाजपेयी जी ने। आने के बाद फिर 10-10 दिन का पंचकम बताया, 1-1 महीने गैप के लिए। फिर 1 महीने के हम लेके चले गए थे। उसके बाद फिर आराम नहीं हुआ था, मतलब थोड़ा बहुत हुआ था। उसके बाद आए, पहला पंचकम हुआ, उससे थोड़ा कम हुआ सी आर पी। पहले पंचकम के बाद फिर यहाँ दर्द नहीं होता था गर्दन पर। फिर दूसरे पंचकम के बाद उसके बाद फिर कम होने लगा सी आर पी। इसके बाद बस, और अभी रिसेंटली कम है, 18 है। 8 पॉइंट है ना अभी? अभी प्रेजेंट में कितना आपका सी आर पी? आपका 8, इस वक्त मेरा 8 है। एक डॉक्टर साहब आपको बोन मैरो की प्रॉब्लम से बता रहे थे, होम्योपैथिक होम्योपैथिक के डॉक्टर के पास गए थे, क्या नाम था उनका? डॉक्टर नीरज सिवाज, नीरज सिवाज उनका नाम था। उन्होंने बोन मैरो का बताया था प्रॉब्लम, उन्होंने फिर पेन किलर दी थी। बोन मैरो का था बस कि इलाज नहीं है, लाइफ टाइम खानी पड़ेगी। थोड़ा फिर सामने करिए, लाइफ टाइम के लिए खानी पड़ेगी उसके लिए, तो उन्होंने कहा था बस। क्या पेन किलर से लाइफ टाइम खानी पड़ेगी? बोन मैरो के लिए बस, जब तक जिएंगे जब तक नहीं। बोन मैरो में क्या प्रॉब्लम थी? ये नहीं बताया। आप उस टाइम पैर में दर्द रहता था? हाँ, गर्दन में जकड़न रहती थी और ठीक से चल नहीं पाते थे। हाँ, खुलना था जॉइंट, जहाँ जॉइंट से उनमें पेन होता था। पेन किलर्स आपने कितने दिन तक खाई? उन्होंने खाई है कम से कम 3-4 महीने दवाई खाई है इन्होंने। पेन कोई राहत नहीं, कुछ नहीं। अब जाके जब यहाँ से आयुर्वेद, यहाँ से यहाँ पे कब से आपका इलाज चल रहा है? सितंबर से चला था यहाँ से, यानी 4 महीने खा के बहुत रिलीफ। तो अब आप पेन किलर्स लेते हैं? नहीं, कोई पेन किलर्स नहीं लेते हैं। कितने परसेंट? बहुत, इनको तो 80% की वो है पूरा। मैं तो अभी कुछ नहीं कह सकती घर में, लेकिन इन्हें पूरा 4 महीने में, जैसे यहाँ के बारे में सुना था, उस हद तक, बहुत हद तक सही। यहाँ पे खुला वातावरण है, खान पीन में भी आयुर्वेद के साथ वो, ये खान पीन का सबसे अहम पॉइंट है ये जी। तो आप उस टाइम आए थे तो आपका सी आर पी 60.4 था, 60 के ऊपर ही था। और इस टाइम प्रेजेंट में आपका सी आर पी इन 3 महीनों में 8.4 है जी। तो आप क्या लोगों को बताना चाहेंगे कि आयुर्वेद की ओर जागरूक हों, अंग्रेजी दवाओं के साइड इफेक्ट से बचें? हाँ, वो साइड इफेक्ट तो है उनके, और आयुर्वेद के इलाज है तो बस पेशेंट चाहिए उसके लिए। पेशेंस चाहिए उसके लिए, पेशेंस रखोगे तो आराम जरूर मिलेगा आयुर्वेद में। तो आप कितना सहमत हैं आयुर्वेद से? पूरी तरह। तो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप एलोपैथ में जाएं, समय से जाएं, इलाज संभव है जी। धन्यवाद।